दिखाओ दिखाओ जी। चलो आपको अगर व्यू दिखाऊं। वाह जी वाह माशाल्लाह, हेयर ड्रायर इसके अंदर मौजूद है, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। सबसे पहले दुरूद भी पढ़ लीजिए, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, सब खैर खैरियत से होंगे। और मैं इस टाइम जो मौजूद हूँ अजियात वाली साइड में मैं मौजूद हूँ, और एक नया होटल आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, एक अच्छे बजट में 3 स्टार शटल सर्विस के साथ। और अगर आपको मौसम दिखाया जाए तो ये माशाल्लाह खूबसूरत सा मौसम है, और मेरे साथ जो है ये अहमद भाई मौजूद हैं, और बिल्डिंग जो है होटल की वो ये सामने वाली है। और आपको ये दिखा दूँ, ये जी अभी मैं आ रहा था तो सब्सक्राइबर हमारे मिले हैं, जिन्होंने हमें माशाल्लाह चॉकलेट्स के 2 पैकेट दिए थे, एक तो खैर खा ली और एक ये पड़ी है जो कि अभी रूम लेके जाएंगे। और मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ, और आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया कि जितने भी आप लोग मिलते हैं मुझे, अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, इसी तरह सलामत रखे, इसी तरह सपोर्ट करते रहें। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और अच्छा सा कमेंट कर दो। पहले कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और फिर वीडियो को पूरा वॉच करो। अच्छा जी, अभी जो है मैं इसमें ये मौजूद हूँ खुदाई की तरफ, इसको खुदाई की तरफ कहते हैं, खुदाई की साइड है। और यहाँ से सीधा जब अगर आप जाएँ तो ये रोड सीधा सामने खुदाई पार्किंग में जाती है। और आप लोगों को मैंने एक चीज़ और बतानी है, आपके नॉलेज में उसको ऐड करना है। और उसके अलावा पहले मैं आप लोगों को एक रास्ता दिखा दूँ, तो वो रास्ता जो है वो ये रास्ता बना हुआ है, ये रास्ता आप सीधा जाएंगे तो वो सामने क्लॉक टावर, यानी कि यहाँ से 25 से 30 मिनट की पैदल वॉक अगर जवान बंदा है तो उसके लिए ज़बरदस्त है कि आप लोग अगर वॉक कर सकते हैं, शाम के टाइम मौसम अच्छा हो तो आप लोग जा सकते हैं। अभी जो चलते हैं होटल की मेन एंट्रेंस की तरफ, आप लोगों को होटल बाहर से विजिट करवाते हैं और इसके बारे में बताते हैं और रूम्स आपको दिखाते हैं। अभी जो है मैं इस टाइम बिल्कुल होटल की फ्रंट पर खड़ा हुआ हूँ, और मैं अगर फ्रंट से इसकी आपकी लुक दिखाऊं, जोरा अल तौहीद ये होटल है जी माशाल्लाह। और ये अगर मैं आपको बिल्डिंग दिखाऊं तो माशाल्लाह जी बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग है, खूबसूरत सी बिल्डिंग है। और ये इन्होंने एक आप पुल टाइप कह सकते हैं लाइक बनाया हुआ है, कनेक्टिंग दी हुई है इसको। और ये इसका जी फ्रंट से मेन है, यहाँ पर इसकी शटल सर्विस आती है, यहाँ पर खड़ी होती है शटल सर्विस, उसकी भी मैं आपको तस्वीर इस पर ये लगा देता हूँ, आप लोग देख लें, ठीक हो गया। और ये सीधा रास्ता सामने खुदाई की तरफ जाता है, वहाँ से जो है आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, आप जितने भी होटल्स हैं बेशक वो 5 स्टार हैं या 3 स्टार हैं 2 स्टार हैं जो भी है, गाड़ी जो है वो आपको सामने खुदाई पार्किंग में उतारेगी, वहाँ से आपको हुकूमत की सरकारी गाड़ी जो है वो लेकर जाएगी, समझ गए। यानी कि होटल से जो है आप लोगों को होटल की गाड़ी लेके वहाँ पर उतारेगी, और आगे से आपको गाड़ी अपनी चेंज करके, बेशक वो किसवा टावर है, वोको है, एम मिलीनियम है, जितने भी शटल सर्विस के होटल्स हैं वो आपको वहाँ पर उतारेंगे, वहाँ से जो है वो आप लोगों ने फिर सरकारी गाड़ी में बैठ के हरम पर जाना है। तो अभी जो है बगैर टाइम से आके चलते हैं अंदर होटल की तरफ। सर जी अभी जो है मैं लिफ्ट के अंदर आ चुका हूँ, और इसके जो टोटल फ्लोर है वो 16 फ्लोर है, और लिफ्ट जो है जी माशाल्लाह ज़बरदस्त। और अगर मैं यहाँ से आपको अगर व्यू दिखाऊँ, वाह जी वाह माशाल्लाह। क्यों जी अहमद भाई, कैसा है? शटल सर्विस होटल है ये, लेकिन 3 स्टार होटल बना हुआ। मैं आपको ऊपर से खूबसूरत सा ग्लोब दिखाऊँ तो जी ज़बरदस्त। और यहाँ से जो है हम आ गए जी बाहर, तो है ऊपर आ गए हैं। मैंने कहा सबसे पहले जी ये चॉकलेट खोलें और ज़रा चॉकलेट का जो है वो बांटें। ये जी हमारे सब्सक्राइबर की तरफ से मिली है, स्पेशल यूके से आई है, जुबैर भाई, ये स्पेशल सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच। आ गई और हम बंदे भी दो रह गए जी। तो लिफ्ट से निकलने के बाद जो है, अगर मैं आप लोगों की ये मतलब बाहर की जो रूम्स के बाहर की जो एक तरह की लॉबी आप कह सकते हैं वो दिखाऊँ, तो जी ये खूबसूरत सी है, इनकी लॉबी वगैरह बनी हुई है, ठीक हो गया। वो सामने लिफ्ट हैं, और ये जी अभी जो है इस साइड पे चलते हैं, आप लोगों को जो है वो पहला रूम दिखाते हैं। तो जी रूम में जो है वो एंटर होने के बाद मैं अगर आपको दिखाऊं, ये बाहर से लुक है जी। एंटर होने के बाद जो है ये जी 3 बेड वाला रूम बना हुआ है, 1, 2 और 3, 3 बेड वाला ये रूम है। और सबसे पहले अगर इसके वॉशरूम की तरफ जाएँ तो जी ये इसका लग्जरी वॉशरूम की तरह लग रहा है जी, सेम बल्कि है ये जी, ये आप ये देख सकते हैं। हेयर ड्रायर इसके अंदर मौजूद है, ठीक हो गया। ये आपका वॉश बेसन है, ये नहाने की जी स्पेस है, ये ऊपर जो है इसका गर्म पानी वगैरह सारा इसमें है। और जी ये इसकी इंग्लिश सीट है, और ये जी साफ़ सुथरा वॉशरूम, ठीक हो गया। और यहाँ से अगर मैं अब आपको रूम दिखाऊं तो ये जी 1, 2, 3 बेड हैं, साथ साथ इनकी इन्होंने ये दी हुई है जी छोटी साइड टेबल्स दी हुई हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर जो है ये भी एक साइड टेबल है, ठीक है, किसी ने लैपटॉप वगैरह काम करना है कर ले। ये जी LCD लगी हुई है, ये फ़ोन लगा हुआ है, और ये जी इन्होंने स्विच दिए हुए चार्जिंग पॉइंट के लिए, ठीक हो गया।
और उसके बाद जी ये फ्रंट पे जो है मिरर लगा हुआ है, और साथ ही साथ जो है वो इन्होंने दिया हुआ जी फ्रिज। ठीक हो गया। तो अब आप लोगों के मुझे मैसेज काफ़ी आते थे कि भाई, अच्छा एक चीज़ मैं और आपको दिखा दूँ, ये जी इसकी अलमारी है जिसमें आपने कपड़े वगैरह रखने हैं, तो अच्छी स्पेस है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, सही हो गया। अब आप लोगों के मुझे काफ़ी आ रहे थे कि भाई रूम आप दिखाते हैं, किसी में कोई रूम्स बड़े हैं, कोई रूम छोटे हैं, सामान रखना है। अब अगर मैं आपको एक दफ़ा बाहर से अगर मैं दिखाऊं ये रूम, ये आप देखो, अब इसमें जो है आप लोग आराम से अपना सामान भी रख सकते हैं और इसमें चार बंदे भी रुक सकते हैं सुकून से। तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से अगर मैं आपको बाहर का अगर मैं व्यू दिखाऊँ, तो जी ये बाहर का व्यू है अल्लाह जी, ज़बरदस्त जी। तो ये रूम में अंदर आने के बाद जो है अपने आप पे सूटकेस वगैरह रखने की, कपड़े वगैरह रखने की, और ये मैंने दिया हुआ जानमाज वगैरह साथ दी हुई है। अभी आ जाते हैं जी इस साइड में, ये मैंने जी हमें दिया हुआ है फ्रिज। ठीक हो गया, फ्रिज जो है ये यहाँ पे रखा हुआ है साथ, ये डस्टबिन वगैरह। उसके बाद जी ये रहती है टेबल, ये सामने चार्जिंग पॉइंट है जो कि यूज़ में है। और उसके बाद ये LCD आ गई, LCD के बाद जी ये मिरर आ जाते हैं। अब ये बेड की बात की जाए, एक दो तीन चार पाँच बेड हैं, और साथ साथ इनकी साइड टेबल वगैरह दी हुई हैं। और अभी आप लोग कह रहे होंगे ये इस तरह, पिछली वीडियो में आपको बताया कि रूम जो है वो खैर छोटे नहीं है आप लोगों को लगता है। और यहाँ से अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं तो जी ये माशाल्लाह जी ज़बरदस्त सा व्यू है, रूम है। और ये भी वॉश बेसन आ गया, ये इसका मिरर आ गया। ठीक हो गया, ये इन्होंने हेयर ड्रायर दिया है तो यूज हो गया। ठीक हो गया, ये इसकी इंग्लिश सीट आ गई है, और ये जिसकी नहाने वाली स्पेस आ गई, तो ठंडा गर्म पानी आपको अवेलेबल है। अभी जो है वो चलते हैं आपको बाहर की तरफ। अभी तक मैं जी ये दो रूम्स है जो मैंने आपको दिखाए हैं, तीन रूम। अभी जो है एक और रूम है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद आप लोगों को जो है वो फिर बाहर की तरफ लेके जाते हैं। अच्छा जी, रूम में आए तो ये मैं आपको दिखाऊँ, एक दो तीन चार बेड हैं, और उससे भी अगर मज़े की एक चीज़ आप लोगों को दिखाऊँ, मतलब दिखा दें इनको, दिखाओ दिखाएं दिखाएं जी। चलो जी, ये जी माशाल्लाह के आपने जो है रूम की खिड़की खोलनी है और सामने क्लॉक टावर, और क्या ज़बरदस्त व्यू है। सामने पार्क बना हुआ है, वो सामने आप देख सकते हो जी, वो सामने पार्क है और सामने क्लॉक टावर। हरम की जो आवाज़ भी यहाँ पे आप लोगों को आएगी सुकून से। और मुझे जो है ये रूम ज़्यादा पसंद आया बनिस्बत उनकी, इस साइड पर आप लोगों को दिखाऊँ तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इस टाइम व्यू। और अच्छा, तो मैं आपको रूम की डिटेल बता दूँ, उसी तरह LCD लगी हुई है, चार्जिंग पॉइंट्स दिए हैं एक दो और तीन, उसके साथ साथ ये फ्रंट मिरर आ गया, कैटल इसके अंदर आपको प्रोवाइडेड है, ये आपकी ड्रॉज आ जाती है। और उसके अलावा अगर मैं आपको वॉशरूम अगर जल्दी से दिखा दूं तो जी वॉशरूम में जी ये खुली स्पेस वाला है, ये आपकी नहाने की जगह, ये इंग्लिश सीट लगी हुई है, उसी तरह ये वॉश बेसिन, और हर रूम पर आपको ये हेयर ड्रायर मिलेगा। तो अभी जो है साथ साथ ये भी इनको दिखा देंगे, ये कह रहे होंगे फ्रिज नहीं है जी, फ्रिज इसमें भी पड़ा हुआ है, और इसमें ये आपको यानी स्पेस दी हुई है, ये स्पेस दी हुई है, ये स्पेस आपको दी हुई है, और ये स्पेस दी हुई है कि आप लोग अपना सामान रख लें सुकून से। ठीक हो गया, अभी चलते हैं बाहर की तरफ, और लोग आपको जो है बाहर से इसका एक दफ़ा व्यू दिखाते हैं और फिर इसके रेट्स आपको बताते हैं। अच्छा जी, अभी चलते हैं नीचे लॉबी की तरफ, और आप लोगों को जो है लॉबी दिखाते हैं, और ये चॉकलेट जी खा रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त, और कैरामेल की है। जी नीचे आने के बाद जो है इनकी लॉबी की बात करें तो ये सारी जो इनकी लॉबी है, ये आप देख सकते हैं, और ये सारा सिटिंग एरिया बना हुआ है। ठीक हो गया, और ये इनका जी रिसेप्शन बना हुआ है, और ये जितनी आगे तक सारी लॉबी है, सही हो गया। उस साइड पर जो है वो सारी मार्केट वगैरह बनी हुई है। जी ये जो है होटल से बाहर हम आ चुके हैं, और अभी जो अगर इसकी मैं रेट की मैं अगर आपको मैं बात करूँ, और आप लोगों को जो है स्पेशल फ्राम वसीक मक्का फैमिली की तरफ से आप लोगों को जो है इस पर डिस्काउंट मिलेगा, और आप लोगों को ये इंशाल्लाह अगर आप लोग बुकिंग करवाते हैं ये मंथ और नेक्स्ट मंथ अक्टूबर का, तो ये आप लोगों को 50 रियाल में पर रूम मिलेगा, और जिसमें 4 बेड और 5 बेड शामिल होगा। ठीक होगा, 50 रियाल में। और इसके बाद आप लोगों के लिए मैं ये ऑफर इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि आप लोगों का काफ़ी कमेंट आ रहा था कि आप लोग जो है सस्ता दिखाएँ सस्ता दिखाएँ सस्ता दिखाएँ, इस तरह का 3 स्टार होटल और सस्ता मेरे ख्याल में और कहीं पे नहीं है, क्योंकि अगर किसवा की तरफ जाते हैं तो वो भी कम से कम 90 रियाल का पड़ता है,
वोको की तरफ जाते हैं तो वो भी कम से कम आपको 150 रियाल का पड़ता है। तो ये जो है उसके लेवल का जो है वो आप लेकर आए हैं, और इसका जो है आप लोगों को पर डे का यानी पर नाइट का और 4-5 बेड्स का जो है वो आप लोगों को 50 रियाल का पड़ेगा। और इसकी जो शटल सर्विस है वो मैंने आप लोगों को बताई है, वो यहाँ से आप लोगों को उठाएगी शटल सर्विस। और ये अगर सुबह के टाइम अगर आप देखें तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त व्यू होता है, और ये होटल की जो है वो पूरी लोकल। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम।